मिल जाओ हमारी माननीय श्री पी के साई जी शिक्षा मंत्री बिहार सरकार प्रधान दिए हैं, माननीय श्री रजनी कुमार सिंह प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्रधान दिए हैं, चेयरमैन NCRI डॉक्टर SP प्रणवनाथ जी भी आ गए हैं। प्रधान सचिव महोदय, लोग मेरे गांव के अब अंधेरा जीत लेने, लोग मेरे गांव के ये मसाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के। 1947 में लगभग 64 दिनों का शिविर निवास किया और उनके साथ की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में बुनियादी जरूरतें नहीं जुटा पा रही हैं, तो दूसरी ओर मुट्ठी भर लोगों के पास धन और विलासिता का विशाल भंडार है। जब दुनिया में लगभग सहमत बन चुकी है कि शिक्षा गरीबी निवारण और समतामूलक समाज रचना का सबसे प्रभावी साधन है, किंतु शिक्षा के विकास में मंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी, गौरवी विद्या मंत्री जी साई साहब, माय फ्रेंड एंड अनिल कुमार सिंह जी, इस संस्था की एएनसीमा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर दिवाकर जी और देश से सब जगह से आए हुए हैं नई तालीम इंस्टीट्यूशंस, वाइस चांसलर्स और आप सब लोगों को मालूम है नई तालीम के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके समझ में ऐसा लगेगा कि नई तालीम में कोई नई पेडागोजी के बारे में चर्चा हो रही, वस्तुतः ऐसा है नहीं। नई तालीम की राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष और बिहार के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रशांत कुमार शाही जी, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर DM दिवाकर जी, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर SV प्रभात जी,
गुजरात विद्यापीठ के कुलपति श्री सुदर्शन अयंगार जी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और सुविख्यात सर्वोदय नेता श्री त्रिपुरारी शरण सिंह जी, बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष श्री जय नारायण सहाय जी, कहा शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता बन जाएगी। लेकिन मेरी भी कुछ मानी है, जो 391 बुनियादी विद्यालय के लिए हम लोग काम करेंगे, उस काम को आप ही पेट्रोनाइज हो अपनी संस्था की तरफ। तो आप सब लोग आए हुए हैं पटना, तो मैं तो यही चाहूंगा, अंजलि बाबू को कहूंगा कि भाई जो बाहर के लोग आए हैं, कभी इन दिनों जाने का भी समय है,